आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.57% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी अभी हम स्टॉक में बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 16.25 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में 18.35, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन 20, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 23, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 25, एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 30-35 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर अभी स्टॉक में 14.935 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 12.75, एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में आगे 11 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।